once again. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड छाया। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट नाइट क्रीम। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सर्दियों में हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। बीटरूट न सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, यह हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस क्रीम को यदि आप रोज रात में लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं, मुहासों के निशान हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, सन टैनिंग हो गई है, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसको रोज रात में लगाने से आपकी स्किन पिंकिश ग्लोइंग हो जाएगी। बाजार में भी बहुत तरह की नाइट क्रीम मिलती हैं जो हमारी स्किन पर क्या साइड इफेक्ट डालती हैं वो हमें नहीं पता। यदि हम होममेड नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी आप एक बार यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमें इसे बनाना कैसे है। इसके लिए मैंने लिया था एक बीटरूट, जिसे मैंने छिलकर धोकर काट लिया था। अब मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूंगी, हम इसे पीस लेंगे। देखिए हमारा पिस चुका है। अब हम इसे खाली बॉल में स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। किस तरह से हमें छानना है, ये हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। देखिए हमारा छन चुका है। अब हम लेंगे एक खाली बाउल, इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल। ये स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। इसमें विटामिन मिनरल होते हैं जो स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। जेल हम मार्केट वाला लेंगे क्योंकि हमें क्रीम को स्टोर करके रखना है। प्लांट वाला हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। हम इसमें डालेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। ये मैंने एवियन 400 के लिए, ये आपको किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। देखिए मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं। हम निडल की हेल्प से इसका ऑयल निकाल लेंगे। विटामिन ई के यूज से हमारे डार्क सर्कल रिमूव होते हैं, हमारी स्किन स्पॉटलेस बनती है। इसको रेगुलर लगाने से स्किन पर गजब का निखार आ जाता है। ये हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून आलमंड ऑयल। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें आप 1/2 टेबल स्पून गुलाब जल डालें। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि हमें क्रीमी टेक्सचर नहीं मिल जाता। अच्छे से मिलाइए। देखिए हमारा क्रीमी टेक्सचर बन गया है। हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच बीटरूट जूस जो हमने निकाला था। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। यदि आपको ये थिन लग रहा है तो आप इसमें एलोवेरा जेल और मिला लें। देखिए इस तरह का टेक्सचर मिलेगा हमें, क्रीमी टेक्सचर। हमारी नाइट क्रीम रेडी हो गई है। हम इसे खाली कंटेनर में भर लेंगे। आप कोई भी खाली कंटेनर ले सकते हैं। अब मैं बताती हूं आपको उसे लगाना कैसे है। यदि आपको लगाने के बाद ज्यादा रेड दिख रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और मिला लें। से लगाने के बाद सुबह नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लीजिए। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, बस ध्यान नहीं रखना है डायरेक्ट सनलाइट में ना जाए। आप इसे 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है।
आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे इंस्टा पर ही फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।